हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं जस्ट किचन में हूँ, और किचन में ही होती हूँ हमेशा, तो कुछ ना कुछ करते रहती हूँ किचन का, तो फिर मैं सोच शेयर भी कर लेती हूँ साथ में। तो मैं अभी क्या शेयर करने वाली हूँ वो बताती हूँ। पहले मैं बना रही हूँ आम का अचार और मूली का अचार, तो मैं सोची आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और इस तरीके से अचार कौन कौन बनाता है प्लीज़ कमेंट करना आप सभी, और बताना कि ये वाला अचार कौन कौन बनाता है इस तरीके से मेरे जैसे बनाते हैं। तो चलिए बने रहिए, मैं दिखाती हूँ अपना आम का अचार और मूली का अचार कैसे बनाती हूँ। ये हमारा आम का अचार का डब्बा मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ, पर मैं आज क्या सोची कि आप सभी के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। ये हमारा आम का अचार है जो हमने सीजन के टाइम पे लेके ऐसे रख देते हैं, फिर उसके बाद जब मन करता है तो फ्रेश फ्रेश बनाओ और खाओ, तो वही बात है। और ये हमने बनाने के लिए अभी एक कढ़ाई ले लिया, और निकालते हैं अचार को। अभी हमने इतना आम का अचार निकाल लिया है मसाला डालने के लिए, और बाकी का इधर देखिए बचा के रखे हैं, जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको हम बनाएंगे। अभी इसमें हम डालेंगे अपना मसाला। तो सबसे पहले अभी हमने मसाला भी जस्ट अभी बनाया है इसका, और मसाला वही नॉर्मली होता है जो हम अचार में मतलब सारे डालते हैं, कुछ अलग से नहीं रहता है, पर अभी बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले से बना था। तो मसाला बनाने के बाद मैं सोची आप सभी के साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे आम का अचार बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूँगी और कम ही डालना है। ये हमारा मसाला है जो सब कुछ मिक्स हुआ है सिवाय सरसों का। तो ये हमारा सरसों का है मसाला, सरसों है जो हमने, इसका भी पाउडर बना के डब्बा में रख देती हूँ जो कभी कभी यूज में आ जाता है, सब्जी वब्जी में भी डालना होता है तो वो है। ये है हल्दी और मिर्ची इसमें डालेंगे थोड़ा, ये है मिर्ची पाउडर, मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, अचार है तो मिर्ची ना रहे ऐसा कैसे हो सकता है। और लास्ट में जाएगा थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, जितना मसाला डाले ना उसको, मसाला जितना डाले ना उसी भर, क्योंकि अचार में तो ऑलरेडी मतलब नमक है तो और नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो ज़्यादा जाने के बाद अचार का टेस्ट हो जाएगा ख़राब, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मतलब रहता है नमक। और इसमें भी तेल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है उतने तेल का, इसको हम अच्छे से ऐसे हाथ से ही करेंगे मिक्स, और अपन मिक्स करके फिर दिखाते हैं। देख सकते हैं आप सभी हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है, आम का अचार, और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना सच में खाने में भी उतना ही अच्छा होता है ये। और ये हमारा डब्बा है जो इसमें हम डालेंगे, इसमें अचार था मेरा तो पहले से इसमें नमक दिख रहा है और कुछ नहीं है, नमक और हल्दी है। इसमें हम रखे थे मूली का अचार, मैं ऐसे ही डब्बे में अचार रखती हूँ। इस तरीके से अचार कौन कौन बनाता है प्लीज हमें कमेंट करें और बताएं। अभी हमने सारा अचार ऐसे रख दिया और ये हमारा खाली हो चुका है, तो अब दूसरा अचार लेके आते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। ये हमारा मूली है, इसको हम अगली बार ठंडा के टाइम पे ही इसको रखे थे ऐसे, थोड़ा नमक इसमें एक्स्ट्रा है जो दिख रहा है, और इसमें अब नमक नहीं जाएगा, तो ये उसी टाइम का है अचार, ठंडा के टाइम पे ही मैं बनाई थी। और लास्ट में ये जो बचा खुचा मसाला है इसी में ऐड कर देंगे। हमने इसमें भी वही सेम मसाला डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं, हल्दी मिर्ची और सरसों और तेल, ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं होता है, नॉर्मली जो मसाला होता है वही है। और इस तरीके से ना प्लीज़ बताना कि कौन कौन अचार बनाता है ये रख के सालों साल वाला। तो ये मेरा अचार सब सीजन का है, अगली बार जो
मतलब ठंडा भी कहता उस टाइम का ये मूली हमारा है। उसी टाइम को नीली मूली को हम अचार बनाने के लिए रखे थे, लेकिन मसाला नहीं डाल पाए थे किसी न किसी रीजन से, और पहले से भी अचार था तो सोच रहे थे जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर डालेंगे मसाला लास्ट में, तो इसलिए नहीं डाल रहे थे। तो हमारा ये हो चुका है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और आप सभी बताना ना प्लीज़ प्लीज़ इस तरीके से अचार कौन कौन बनाता है। रख के सालों साल आम उम का, तो इसको रखते हैं डब्बा में, ये ज़्यादा नहीं था तो हमने एक छोटा सा डब्बा ले लिया इसके लिए। ये जो गाइस मेरी रेसिपी अगर पसंद आते ना तो प्लीज़ हमें मतलब वीडियो अच्छी आती है, रेसिपी तो मैं नहीं दिखाई हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।